राज्य के जिला रामबन में आज हुई एक प्रेस वार्ता में जिला सीनियर वाइस प्रेसिडेंट तीरथ सिंह बलवाल ने स्टेट कैडर में आरईटी के पदों के निर्माण के लिए और सातवें वेतन आयोग के कार्यान्वयन या अन्य मांगों के संबंध में प्रशासन के ऐतिहासिक निर्णय के लिए कहा कि आरईटी टीचर्स फोरम डिसीजन रामन की तरफ से प्रेस वार्ता देते हैं। हम अपने पूरे टीचर्स कम्युनिटी की तरफ से गवर्नर श्री सत्यपाल मलिक जी का, एडवाइजर टू गवर्नर खुर्शीद अहमद गनाई और स्कूल सेक्रेटरी एजुकेशन अजीत कुमार साहू का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि जो हमारे आरईटीज की पिछले कई लंबे अरसे जो डिमांड थी कि जो सेवंथ पे कमीशन को लेकर, ऐसे सैलरी को डीलिंग को लेकर, उसके लिए गवर्नर साहब ने एक कमेटी बनाई थी जो सैक के नाम से। उस कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद काफ़ी हिस्टोरिकल डिसीजन रहा जो कि आरआईटीज के इंटरेस्ट के लिए, जिसमें पोस्टें क्रिएट की, हमारे जितने भी आरआईटीज हैं सबको स्टेट सेक्टर में लाया जाएगा, तो उसके बाद जो उनकी सैलरी जो है स्ट्रीमलाइन चलेगी। इससे पहले जो आरआईटीज थे इनको टाइम पे सैलरी नहीं मिलती थी, जिसकी वजह से स्कूल जो बच्चों की तालीम थी उस पर भी बहुत इफेक्ट पड़ता था। और इसके बाद जब टीचर्स की जो सैलरी मंथली चलेगी तो स्कूलों में भी काफ़ी जो इसमें बेहतरी होगी। चलना है अगर वक्त से आगे, बदलना है अगर नजरिया, तो चलते रहिए बस वक्त के साथ। हम दिखाते हैं सबसे पहले, बेशक हो छोटी खबर या बड़ी, वक्त इंडिया, यही वक्त।